नमस्कार दोस्तों राधे राधे वेलकम टू एन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म मैं स्वप्निल प्यासी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश के नंबर वन एजुकेशन चैनल लेट्स क्रैक एम पी एग्जाम्स पर जहां आप मैं और हम सब तैयारी कर रहे हैं एम की रोज़ दोपहर दो बजे मंडे टू फ्राइडे सो लेट्स क्रैक इट आइए मेरे बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूँ मेरा नाम स्वप्निल प्यासी है एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का फाउंडर एंड डायरेक्टर छः साल से अधिक पढ़ाने का एक्सपीरियंस और कई सारे एग्जाम्स जो है मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं जो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आप सभी को मालूम है हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी सेक्शन फॉर एमबीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेन्स ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज मानव स्वास्थ्य एवं रोग इस चैप्टर में हम स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को जान जाने हैं अभी तक रोग एवं बचाव वाला सेक्शन हम ये कंप्लीट कर रहे हैं और आगे हम इम्यूनिटी को समझेंगे रोग एवं बचाव में हमने समझा था रोग जो होते हैं दो प्रकार के जन्मजात और उपार्जित रोग इनके बारे में हमने जानकारी ली और कुछ महत्वपूर्ण सम कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेज इन ह्यूमन्स है ना फॉर द कंसर्स ऑफ एग्जाम परपज के दृष्टि से हमने ये चीज़ें देखी थी जिनमें हम वायरल डिसीजेस में जिनमें हम हेपेटाइटिस, बर्ड फ्लू एड्स येलो फीवर स्वाइन फ्लू कोविड नाइन्टीन इनके बारे में हमें पढ़ना था

कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको देनी होती हैं वो मैं दूंगा कि ये हमारी टीम है जिसमें राजुल सर राजुल मैडम हैं दिनेश ठाकुर सर हैं शुभम गुप्ता सर हैं और अन्य टीचर्स हैं राम सर से, जैसे सभी लोग यहाँ पर आपको अनकेडमी पर पढ़ा रहे हैं तो अगर आपके पास अनएकेडमी लर्निंग ऐप नहीं है सो सबसे पहले आप अनकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए क्यों क्योंकि आपको यहाँ पर मिलता है डेली लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज लाइव टेस्ट एंड क्विजेस अनलिमिटेड एक्सेस और अन्य सारी सुविधाएं है ना तो इतना कम्प्रिहेंसिव सिलेबस और कहाँ मिलता है जितना कि अनएकेडमी पर मिलता है इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि अन अकेडमी पर uh, मेरे द्वारा स्पेशल क्लासेस ली जाती हैं ये स्पेशल क्लासेस हिंदी की इंग्लिश की और मैथ्स की होती हैं इन क्लासेस को यदि आपको अटेंड करना है सुगाइ प्लीज़ फॉलो मी ओन अनकेडमी लर्निंग ऐप सबसे पहले तो आपके पास अनएकेडमी लर्निंग ऐप हो उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा इंस्टॉल करने के बाद उसको स्पेशल uh, क्लास वाले सेक्शन में जाइएगा मेरा नाम सर्च करिएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा एम पी पी एंड व्यापम की कैटेगरी में ठीक है और अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो ये रेफरल कोड है जिसके फलस्वरूप आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ये दिस इज माय कोर्स जो मैं पढ़ाता हूँ संपूर्ण मध्य प्रदेश इतिहास भूगोल राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था सामान्य हिंदी एवं व्याकरण विज्ञान एवं तकनीकी गणित रीजनिंग इंग्लिश ये सभी सब सब्जेक्ट बिल्कुल पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण कोर्स द्विभाषी और नोट्स पी फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जाते हैं सो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो देखिए एक साल का आपको सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है आठ हज़ार आठ सौ दो साल का दिखा रहा है बारह हज़ार आठ सौ लेकिन आठ हज़ार आठ सौ की जगह सिर्फ आपको ये पड़ेगा सात हज़ार नौ सौ बीस में बस अर्ते आप ये रेफरल कोड लगाएं ताकि टेन परसेंट डिस्काउंट आपको मिले इसी तरह दो साल का सब्सक्रिप्शन बारह हजार आठ सौ की जगह ग्यारह हजार पाँच सौ बीस रुपये में ताकि आपको कम में भी पड़े नॉमिनल चार्जेस में पड़े सो इस सब्सक्रिप्शन कोड को जरूर ध्यान रखें स्वप्निल करने से पहले इसको लगाइएगा और टेन परसेंट डिस्काउंट प्राप्त करें चलिए सो so, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो अगर तो मुझे बताएं ठीक है ना कोई प्रश्न अगर आपके दिमाग में है तो आप मुझे बता सकते हैं किसी भी प्रकार की दिक्कत यदि परेशानी आपके दिमाग में है तो मुझे वो क्वेश्चन करिए आप अन्यथा क्लास को आगे बढ़ाएं अपनी हम प्रोटोजोन कम्युनिकेबल डिसीजेज पुलिस अकेडमी छतरपुर सर एम पी पी एस सी साइंस में इसके हिसाब से होगी बिल्कुल भैया मेरी सत्तर से तिहत्तर लेक्चर मैं करा चुका हूँ एम पी पी एस सी प्रेम्स एंड मेन्स प्री कम मेन्स बेचिए मैं आपको लेता हूँ यहाँ पर मेरी साइंस जो मैंने आपको पढ़ाई है मैं आपको वादा करता हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया है अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर एम पी थ्री लेट्स क्रैक एम पी एग्ज़ाम में वो सारे के सारे आपके एम के कंसर्न से चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें दोनों में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी परीक्षा में जब जाएंगे उसके बाद आप ध्यान रखेंगे हाँ यार सर ने बताया था चलिए और किसी का कोई प्रश्न अंजग सर जेल प्रहरी का एग्जाम आने वाला है और अभी और क्लास रह गई हैं हाँ और रह तो गई हैं बेटा अब देखिए आगे क्या होता है सो so, चलिए और बताइए किसी का कोई क्वेश्चन पहले से लिख दीजिए फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे क्लास फिर नहीं लेंगे क्वेश्चन पढ़ाने के दौरान चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न हमने कल आपको बताया था प्रोटोजुआन कम्युनिकेबल डिसीजेज में हम पढ़ रहे थे और प्रोटोजोआ होते हैं हमने आपको बताया था ये एक कोसी की जीव होते हैं जो मनुष्य में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं जिनमें काला अजार की हम कल चर्चा कर चुके हैं काला आजार की चर्चा करें देखिए जेल प्रहरी के लिए आप लोग अनकेडमी पर जैसे हेलन मैम है वो आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं क्लियर है ना दिनेश ठाकुर सर हैं वो आपको एमपी पढ़ा रहे हैं मेरे द्वारा साइंस में बायोलॉजी पढ़ाई ये तीन क्लासें तो कंप्लीट आप कर लीजिए सनमति सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं क्लियर है तो चार क्लास ये हो रही और जो हमारे उपाध्याय सर आए हैं एक और अपने नितेश कुमार सर हैं वो हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे हिंदी अटेंड कर लीजिए उनके पुराने लेक्चर आप देख लीजिए तो चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी ठीक है ना ध्यान रखिएगा अनकेडमी पर ओल्ड वीडियोस या पुरानी वीडियोस भी हैं वो भी देख सकते हैं तो उसके माध्यम से आपको चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका कंप्लीट नहीं होगा चीजें कंप्लीट हो जाएंगी चलिए स्टार्ट करते हैं तो कल हमने कालाजार की बात करी थी जिसमें हमने बताया था लिशमोनिया मानिया डोनोवानी इसका जो बैक्टीरिया है जीवाणु है रोगाणु है जिसके कारण ये होता है बालू मक्खी के काटने से फैलता है इसके लक्षण हमने आपको कल बताए थे रोकथाम बताई थी, रोक थी। कालाजार के बाद हमने आपको बताया था निद्रा रोग निद्रा रोग की भी आप चर्चा कर चुके थे इसके बाद हमें यहां पर पढ़ना था पेचिस से सो चलिए स्टार्ट करते हैं पेचिस से इंग्लिश की क्लास का टाइम पता कर लो हेलन मेंडोल्सा मैम में के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च करना है वो तो उनकी क्लास आपको मिल जाएगी ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं पेचिस स्टार्ट करते हैं पेचिस पेचिस जो होता है इसका जो रोगाणु होता है उस रोगाणु का जो नाम है वो है एंट अमीबा ध्यान रखना एंट अमीबा हिस्टोलिका क्या नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका इसका रोगाणु है जिसके कारण पेचिस होता है क्लियर पेचिस को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं डाइसेंट्री डाइसेंट्री क्लियर है और इसके संक्रमण का माध्यम यानी कि किस माध्यम से यह फैलता है तो ध्यान रखना यह परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ मनुष्य की बड़ी आंत में रहता है कहाँ रहता है बड़ी आंत में एंट अमीबा हिस्टोलिका मनुष्य की बड़ी आंत में रहता है और रोगी के मल द्वारा यह क्या होता है फैलता है ध्यान रखना रोगी के मल द्वारा यह फैलता है इसके लक्षण क्या है दस्त में खून आना एवं पेट में मरोड़ा उठना दस्त में खून आना और पेट में मरोड़ा उठना यह क्या है इसके लक्षण है और बात आती है जब इसके रोकथाम की तो आप ध्यान रखेंगे शुद्ध वातावरण रखना चाहिए तथा शुद्ध पानी पीना चाहिए अधिकांश बीमारियों का जो सबसे अच्छा इलाज है वो ध्यान रखिएगा वो है शुद्ध पानी और शुद्ध हवा ध्यान रखिएगा अब अंशिका आप पढ़ाई करो सामने जो मैं पढ़ा रहा हूं अब जो मैंने पढ़ाया उसी को पढ़ लीजिए वही आपके काम में आ जाएगा ठीक है ध्यान से देखिएगा ठीक अब इसके बाद आता है पायरिया इसके बाद दूसरी डिसीज जो है वो है पायरिया दूसरी डिसीज़ जो यहां पर है वो है पायरिया पायरिया का जो रोगाणु होता है वो है एंट अमीवा जिंजीबेलस क्या है एंट अमीवा जिम्बेलस और इसके संक्रमण का माध्यम है चुंबन द्वारा संक्रमित रोग है ये है ना कौन सा पायरिया एंट अमीबा जिंज वेरस और ये काय के माध्यम से फैलता है चुम्बन के माध्यम से किसिंग के द्वारा ध्यान रखिएगा तो इसके लक्षण क्या है दांतों में मसूड़ों से पस आना दांतों के जो मसूड़े होते हैं उनसे क्या आना पस आना यानी कि मवाद आना और कभी कभी दांतों की जड़ों में जख्म भी हो जाता है यानी कि जो मसूड़े के जो जड़ें होती हैं उनमें क्या हो जाता है जख्म हो जाता है जो इसका क्या है लक्षण है इसका रोकथाम क्या है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दांतों और मसूड़ों की लगातार साफ सफाई करी जाए प्रति सेप्टिकों से मुंह की सफाई और माउथ वॉश वगैरह का प्रयोग यानी कि यूज किया जाना चाहिए कोई क्वेश्चन यहाँ पर तो हमने यहाँ पर दो रोगों की बात कर ली है ना एक बात कर ली हमने पेचिस की पेचिस के पहले मैंने आपको बताया कौन कौन सा ब्लैक अजार है ना लिश्मानिया डोनोवानी ठीक है उसके बाद हमने आपको बताया था कौन सा रोग निद्रा रोग ठीक है ना सीसी मक्खियों के ए, ए, में पाया जाने वाला परजीवी है जो ट्रिपोनोसोमा ब्रुकी उसके द्वारा ये फैलता है उसके बाद हमने आपको बताया पेचिस एंटमिवा हिस्टोलिका और उसके बाद आपने समझा पारिया पारिया का मतलब एंटमिवा जिंजे वेलिस रोगाणु के द्वारा फैलने वाला डिसीज क्लियर ध्यान रखिएगा अब देखिए इसके बाद इसके बाद एक महत्वपूर्ण बीमारी की हम चर्चा कर रहे हैं मलेरिया की ठीक है उससे पहले आप लोग एक काम करें पेन कॉपी उठा लें पेन कॉपी लेकर के बैठे दो मिनट बस तो चलिए स्टार्ट करते हैं मलेरिया तो अब देखिए मलेरिया से आप ध्यान रखना प्री और मेंस दोनों जगह क्वेश्चन बनेंगे यहां से क्वेश्चन बनेगा मेंस का मेंस का क्वेश्चन से आराम से बन सकता है ध्यान से देखिएगा क्लियर है सबसे पहली चीज आती है कि मलेरिया का जो कारक है वो किसके कारण होता है ध्यान रखना इट इज ए कॉमन डिसीज कॉस्ट बाई प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ ठीक है ना तो इसका जो कारक है वो कारक आप ध्यान रखेंगे इसका कारक जो है वो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पहली चीज इसका कारक क्या है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला एक रोग है तो सबसे पहली चीज मलेरिया के विषय में आप ध्यान रखना इट इज अ प्रोटोजोअन डिसीज पहली चीज प्रोटोजोअन रोग है और प्रोटोजोआ का नाम क्या है प्लाज्मोडियम ठीक है ना प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला सामान्य रोग है पहली चीज और यह है प्रोटोजोआ जो है यह मच्छर के द्वारा फैलती है तो मादा एनेफिलीज नामक जो मच्छर होती है उसके द्वारा यह क्या होता है फैलता है दूसरी चीज है ना दिस प्रोटोजुआ स्प्रेड बाई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो तो मैंने आपको बताया मलेरिया इट इज अ कॉमन डिसीज कॉज बाय प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एंड दिस प्रोटोजोआ इज स्प्रेड बाय द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है मलेरिया और इसका फैलने का जो माध्यम है वो है मादा एनाफिलीज मच्छर उसके काटने से यह क्या होता है फैलता है ध्यान रखिएगा ठीक है दूसरी चीज ये मोनो एनाफिलीज मॉस्किटो जो फीमेल मच्छर जो आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है इसके काटने से ये फैलता है अगली चीज अगली चीज आप ध्यान रखेंगे ये रोग जो है ध्यान रखना जो इस रोग को बीजाणु द्वारा फैलाती है क्या के द्वारा फैलाती है बीजाणु द्वारा अब ये भी आपको समझना है कि ये जो रोग है विच इस बाई दिस 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 स्पोर बीजाणु के द्वारा फैलाती है और कैसे फैलाती है आगे हम आपको बताएंगे प्लाज्मोडियम Pla की विभिन्न प्रजाति डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम जो है पहली होती है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये आपको दिख रहा है प्लाज्मोडियम वाईवैक्स क्लियर है इसके अलावा ये प्लाज्मोडियम वाईवैक्स हो गया दूसरी इसकी प्रजाति है प्लाज्मोडियम मलेरी दूसरी कौन सी प्लाज्मोडियम मलेरी पहले यह प्लाज्मोडियम वाईवैक्स दो प्रजाति हैं दूसरी है प्लाज्मोडियम मलेरी ये दोनों दिख रही हैं आपको स्क्रीन पर और तीसरी प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया लोगों के कारक हैं तो प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्लाज्मोडियम मलेरी दो प्लाज्मोडियम ये तीन प्लाज्मोडियम की प्रजाति है जिनके द्वारा अलग अलग प्रकार का मलेरिया क्या होता है फैलता है फर्स्ट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द सेकेंड इज प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरस इज अ फैक्टर इन वेरियस टाइप्स ऑफ मलेरिया डिसीजेस क्लियर है तो यह भी ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मोडियम जो होता है जो बैक्टीरिया इसका जो है ये पीछे आपने जो समझा है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इसकी भी प्रजाती है तीन प्रजातियां हैं क्लियर है तो आपने समझा प्रोटोजोआ मलेरिया जो, जो एक प्रोटो डिसीज है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला एक सामान्य रोग है मादा एनाफिलिस के द्वारा फैलता है बीजाणु के द्वारा फैलता है ध्यान रखना फिर आपको बताया गया प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां हैं जिसमें वाइवैक्स है मलेरिया और फेलसीपेरम है जो विभिन्न प्रकार के मलेरिया रोगों का कारक हो सकती है ठीक अगली बात मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं वट आर आर द सिमटम्स ऑफ मलेरिया यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है ठीक है मलेरिया के जो लक्षण हैं कमजोरी ठंड लगना सिर दर्द पेशियों में दर्द बेचैनी उल्टी वस्त पहली चीज मैंने आपको बताई मैंने आपको बताया कमजोरी यानी कि वीकनेस ठंड लगना यानी कि चिल्स हेडेक यानी कि सिर दर्द पेशियों में दर्द यानी कि मसल एचेस और बेचैनी यानी कि रेसलनेस और वोमिटिंग एंड डायरिया यानी कि उल्टी एवं दस्त ये इसके क्या है लक्षण है अगर इस तरीके के लक्षण आपको एक साथ दिखाई दे सो गाइस प्लीज गो टू द डॉक्टर एंड चेक आप अपने आपको चेक कराएं कि कहीं आपको ये परेशानी तो नहीं है क्यों क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा एनीमिया एंड जॉन्डिस कैन ऑल्सो बी कॉज बाय मलेरिया क्योंकि अगर मलेरिया बिगड़ता है या मलेरिया आगे बढ़ता है तो मलेरिया के द्वारा संभव है कि एनेमिया यानी कि खून की कमी और पीलिया यानी कि जोन दो परेशानियां और भी इससे संभव हो सकती हैं मलेरिया द्वारा एनेमिया भी हो सकता है और पीलिया भी हो सकता है तो सावधानी यहाँ पर बरतने की है बहुत ज्यादा क्लियर है क्योंकि सीधी सी चीज है मलेरिया में होता क्या है मलेरिया में आर की क्या होती है कमी होती है आरबीसी ध्यान रखना रेड ब्लड सेल का जो काउंट है वो क्या होने लगता है डिक्रीज होने लगता है तो आरबीसी की कमी हो सकती है तो हो सकता है एनिमिया और एनिमिया आगे बढ़ेगा तो पीलिया भी संभव है बिकॉज इट्स इट रेड रेड ब्लड ब्लड सेल्स सेल्स की यहाँ पर कमी होती है तो मलेरिया के लक्षण यहाँ पर तीन हो गए क्लियर है तो देखो दो तीन चीजें जो आपने यहाँ पर पढ़ी हैं पहली चीज मलेरिया के विषय में क्वेश्चन अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि किस आ, इसका कारक क्या है कारक है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ किसके द्वारा फैलने वाला रोग है यह प्रोटोजुआ डिसीज है मच्छर के द्वारा फैलता है इसके बारे में ठीक प्लाज्मोडियम की प्रजातियां कितनी हमने बताई तीन चार प्रजातियां होती हैं उनके बारे में हमने आपको बताया और इसके लक्षण भी बताए वो भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं यह देखिए सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इस तरीके से आपको दिखाई देंगे सिम्टम्स ऑफ मलेरिया सेंट्रल में सबसे पहली चीज आपको समझ में आने लगेगी कि यार हेडेक हो रहा है सिरदर्द हो रहा है आपके सिस्टम में यानी बॉडी तंत्र में आपको फीवर समझ में आएगा कि यार बुखार टाइप की चीज़ आपको लग रही है फिर आपको समझ में आएगा मस्कुलर में यानी कि पेशियों में आपको फेटिज हो जाएगा या पेन होगा यानी कि दर्द होगा बैक में पेन होगा आपकी ध्यान रखना स्किन की अगर बात करी जाए तो स्किन में स्किन जलने लगती है स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी में ड्राई कफ सूखी खांसी चलती है स्पीन में स्पिल में इन्लार्जमेंट आ जाती है मतलब वो बड़ा हो जाता है जरूरत से ज्यादा स्टमक में नोआज़ा और वोमिटिंग बेचैनी और आपको उल्टी जैसी समस्याएं मलेरिया में चीजें सामने आती हैं और कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ चलिए ठीक है मलेरिया के लक्षण यहां पर ये मैंने आपको बता दिए इसके बाद यदि ध्यान रखिएगा यदि मलेरिया का इलाज तुरंत ना कराया जाए तो हो सकता है आपके जीवन को खतरा हो जाए इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली देन इट कैन बी लाइफ uh, थ्रेटनिंग ये जीवन के लिए खतरा हो सकता है ध्यान रखना तो ध्यान रखिएगा मलेरिया जैसी जो परेशानियां होती हैं इनका तुरंत इलाज क्या है जरूरी है तुरंत इलाज कराना चाहिए क्योंकि शारीरिक अंगों को रुद्र की कमी हो जाती है बिकॉज द बॉडी पार्ट्स में जो है ब्लड की लैक हो जाती है और गंभीर अवस्था में इस रोग के द्वारा ब्रक शूल ब्रक यानी कि किडनी में अल्सर हो सकता है मानसिक असंतुलन कोमा व मृत्यु जैसी समस्याएं भी हो सकती है तो ध्यान रखिएगा तो इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्या कराना चाहिए तुरंत इलाज क्यों यदि तुरंत इलाज नहीं तो जीवन को खतरा जीवन को खतरा कैसे हो जाता है क्योंकि इसके कारण मलेरिया के कारण शारीरिक अंगों को ब्लड की क्या हो जाती है कमी हो जाती है क्योंकि आपको सीधा सा मालूम है कि आर का काउंट गिरा तो आर का काउंट करने का मतलब है ब्लड भी खून की भी कमी हो जाना सीधा सा मतलब है तो इससे ये चीजें होती हैं और गंभीर अवस्था में अगर ये चीज पहुंच जाए तो इसके द्वारा वृक्ष मानसिक असंतुलन कोमा या मृत्यु जैसी परेशानियां हो सकती है तो रेन एलकोलिक मेंटल इम्बेलेंस कोमा एंड डेथ कैन बी कॉज बाय दिस डिजीज इन सेवर कंडीशन इफ देयर इज एनी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज जल्दी से उसको क्वेश्चन को पूछिए यह मलेरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया तो मलेरिया का क्वेश्चन आपसे बन जाता है यहां से आपका क्वेश्चन मलेरिया मलेरिया क्या है रोग के विषय में मैंने आपको बताया था कैसे फैलता है ठीक है ना इसका कारक क्या है इसका प्रभाव क्या है ये क्वेश्चन बनते हैं इसके लक्षण क्या है और इसका उपाय यानी कि इलाज क्या है ठीक है और इसमें न्यू डेवलपमेंट क्या हो सकती है ये चारों आयाम हमने यहां पर खींच लीजिए कोई प्रश्न यहां पर किसी का ओवरऑल हमने कई सारे कम्युनिकेबल डिसीजेस यहां पर पड़ हैं संक्रामक रोग पड़े ठीक है ना संक्रामक रोगों के बाद हमारा जो अगला सेक्शन यहां पर आएगा वो होगा असंक्रामक रोगों का लेकिन इन संक्रामक रोगों से बचने के लिए सारे संक्रामक रोगों में कुछ और संक्रामक रोग हैं जो बचे हुए हैं जिनको हम आपको बता देंगे उसके बाद संक्रामक रोगों से बचने के उपाय आपको बताए जाएंगे क्लियर है तो ध्यान से सुनिएगा द्वारा भी संक्रामक रोग होते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि हेलमिंथिस क्या है है ना तो ध्यान रखिएगा हेलमिंथिस जो है इनके द्वारा भी संक्रमण होता है रोगों का और हेलमिंथिस की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये जो हेलमिंथीज आप नाम सुन रहे हैं ये भी परजीवी कीड़े हैं है ना इनसे भी विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं जैसे कि इनसे भी विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं कि जैसे कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एस्केरियसिस की क्लियर है एस्केरियसिस के बाद आप बात करेंगे किसकी फाइलेरिया की है ना हेलमेंट के द्वारा फाइलेरिया की और फाइलेरिया की बाद आप चर्चा करेंगे टीनियसिस की कौन से रोग की टीनियसिस की चर्चा करेंगे टीनियसिस के बाद आप चर्चा करेंगे हुकवर्म संक्रमण कौन सा संक्रमण हुकवर्म संक्रमण और हुकवर्म संक्रमण के बाद आप इसकी समरी को अध्ययन करेंगे क्लियर है महेंद्र शुक्ला ये कहाँ पाए जाते हैं अभी बता रहे हैं रुक जा थोड़ी तो हम बात कर रहे थे हेलमिंथिस हेलमिंथिस जो होते हैं ये परजीवी कीड़े होते हैं इनके कारण विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं जैसे सबसे पहले हमने चर्चा कर ली की किसकी की इसका कारक जो हेलमिंथिस या परजीवी कीड़ा जो है उसका नाम है एस्केरिस लुम्री कॉइडस ये एक निमेटोड है ये क्या है निमेटोड है ध्यान रखना है ना लुम्बी क्राइडस ये एक निम है और इसका संक्रमण माध्यम क्या है भोजन अगर संक्रमित भोजन या संदूषित भोजन अपन करते हैं तो हो सकता है मैं इसके लिए सेस हो सकता है और इसके लक्षण क्या है पेट में तेज दर्द होना रुकी हुई वृद्धि ज्वर खांसी और रोधिर में कमी ये इसके लक्षण हो सकते हैं और जहाँ तक इसके रोकथाम की बात जो है तो वो है व्यक्तिगत तथा सामाजिक साफ सफाई रखनी चाहिए ये इसका रोकथाम है तो वी हैव Uh, studied about ascariasis, the jump th th that is the reason behind this ascarique lumbricoids, it is a nematode. And uh, transmission medium is infected food, and symptoms are severe abdominal pain, stunt growth, fever, cough, decrease in blood count. Clear hai? and what all are the prevention? Prevention is. And social cleanliness should be maintained, है ना ये चीजें मैंने आपको बताई इसके बाद आता है आपका दूसरा रोग जिसका की नाम है फाइलेरिया दूसरा डिसीज जिसका नाम क्या है फाइलेरिया इसके बाद हम फाइलेरिया की यहां पर चर्चा करेंगे इसका रोगाणु जो है कारक रोगाणु जो है वो उसका नाम है वाउचेरिया रखिएगा वाउचेरिया नामक ये सूत्रक्रमी के द्वारा फैलता है ध्यान रखना तो हमने बात करी फाइल फाइलेरिया है ना वाउकेरिया बैंक्रोफिटाई फ्रॉम द एपनोमी जिसके कारण ये क्या होता है फैल, फैलता है और ट्रांसमिशन मीडियम इसका क्या है ट्रांसमिशन मीडियम जो है संक्रमण माध्यम वो है मॉस्किटो बाइट इन विच द डिसीज इज कॉल्ड निमेटोर्स ठीक है ना ध्यान रखिएगा मच्छर के काटने से इसका संक्रमण जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है जिनमें रोग सूत्र कमी से होता है कोई क्वेश्चन यहां पर बात करें इसके लक्षणों की तो लक्षण में लसिका वाहिनी व वा ग्रंथियां क्या कर देती हैं फूल जाती हैं, जिसे हम फाइलेरिया कहते हैं तो फाइलेरिया का मतलब क्या है जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और ग्लैंड्स होती हैं उनका फूल जाना मैंने आपको क्या बताया द लिम्फेटिक डक्ट्स एंड स्वेल विच इज कॉल्ड फाइलेरियो है ना तो ग्रंथियों का फूल जाना फाइलेरिया कहलाता है और यह मच्छरों के काटने सूत्र कमी के काटने से होता है जिसका रोगाणु है वाउचेरिया वाँच, बैंक्रोफ्टाई क्लियर अब तो इसकी रोकथाम की अगर चर्चा आपसे करी जाए तो हेट्रोजन दवाइयों के द्वारा पहली चीज यहां पर लिखी है हेट्रोजन दवाइयों के द्वारा रोगियों को दही केला चर्बी युक्त तथा प्रोटीन युक्त भोजन नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैंने क्या लिखा नहीं करना चाहिए हाइड्रोजन दवाइया के द्वारा इसका उपाय है और रोगियों को दही नहीं देना चाहिए केला नहीं देना चाहिए ऐसा भोजन जिसमें चर्बी हो वो नहीं देना चाहिए और प्रोटीन हो वो नहीं देना चाहिए मच्छरों को नष्ट करने का प्रयास करें यानी कि डी और विरंजक चूर्ण नामक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग अपने घर के आसपास किया जाए ताकि इस रोग से बचाया जा सके तो ये हमने बात करी फाइलेरिय की फाइलेरिय की हमने यहां पर चर्चा आपसे कर ली किसी का कोई प्रश्न कोई क्वेश्चन चलिए ठीक है तो अगली बात देखेंगे इसके बाद आता है टीनियसिस रोग कौन सा आता है टीनियसिस है ना इसका नाम क्या है टीनियसिस इसका जो जम है जो इसका रोगाणु है उसका नाम है टीनिया सोलियम क्या नाम है टीनिया सोलियम टीनिया सोलियम के कारण ये क्या होता है फैलता है अब बात आती है इसके संक्रमण माध्यम की तो ध्यान रखना रोगी व्यक्ति की आंत में परजीवी पाया जाता है जो मल के साथ बाहर आकर संक्रमण फैलाता है क्लियर रोगी की आंत में परजीवी पाया जाता है और ये परजीवी मल के साथ आकर क्या करता है संक्रमण फैलाता है और इसका दूसरा पोषी सुअर है एक तो हो गया ये आंत में पाया जाने वाला परजीवी और दूसरा जो इसका पोषी है वो है सुअर सुअर यानी कि स्वाइन या रखिएगा इस अवस्था को ब्लेडर वर्म कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं ब्लड वर्म भी कहते हैं क्लियर ध्यान रखिएगा अब बात आती है इसके लक्षण की इसके लक्षण क्या है जिसके कारण आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं तो सबसे पहली चीज है अपच पेट में दर्द कभी कभी इनका लारवा तंत्रिका तंत्र ठीक है ना आंख फेफड़ों या मस्तिष्क में पहुंचकर रोगी की मृत्यु का कारक भी बनता है ये ध्यान रखिएगा उसकी रोकथाम क्या है पूर्णतः पका हुआ भोजन निकोलसन का प्रयोग करना चाहिए ठीक है काय का प्रयोग करना चाहिए निकोलसन का ध्यान रखिएगा अगला है हुकवर्म संक्रमण नेक्स्ट क्या है हुकवर्म संक्रमण हुकवर्म संक्रमण की अगर हम चर्चा यहां पर करते हैं तो इसका रोगाणु की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसका जो रोगाणु है वो कौन है इसका जो रोगाणु है आप ध्यान रखिएगा इसका जो रोगाणु है वो है गोलक्रमी जो आंत पर क्या करते हैं असर करते हैं इसका जो रोगाणु वो गोलक्रमी है जो आंत पर असर करते हैं संक्रमण माध्यम क्या है मिट्टी में मौजूद मल से लार्वा के द्वारा ये मानव की आंत में परजीवी के रूप में रहते हैं ये ध्यान रखिएगा लक्षण क्या है खून की कमी एनीमिया है ना हृदय एवं पेट में जलन कब्ज आदि इसके क्या है लक्षण है ध्यान रखिएगा उसके रोकथाम मलमूत्र का उचित अवघटन होना जरूरी है क्योंकि मलमूत्र का जब उचित अवघटन नहीं होगा तो निश्चित है संक्रमण फैलेगा ही ध्यान रखिएगा तो यहां पर हम ये इंग्लिश में इसको देख लें हुग इन्फेक्शन इंफेक्शन जो है इसका जो जम है जो कोजिंग एजेंट है वो है राउंड वॉर्म विच इफेक्ट्स द इंटेस्टाइन जो आंत को इफेक्ट करता है ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फेसेस फ्रॉम द फेसेस प्रेजेंट इन द सोइल बाय लार्वा दे लिव एज पैरासाइट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन क्लियर है सिम्टम्स आर एनेमिया हार्ट एंड स्टमक इरिटेशन हार्ट एंड स्टमक इरिटेशन एंड कॉन्स्टिपेशन एट्सेट्रा आर द सिम्टम्स ऑफ हुकवर्म इन्फेक्शन एंड द प्रिवेंशन आर प्रॉपर डीकम्पोजिशन ऑफ स्टूल यूरिन क्लियर है ये ध्यान रखिएगा चलिए अब बात करते हैं परजीवी रोग जो हमने पढ़े हैं प्रोटोजोन और हेलमिंथीस के द्वारा जो परजीवी रोग पढ़े हैं इनका फुल फॉर्म में हम क्या कर लें जल्दी से रिविजन कर लें ठीक है ताकि हमारा पोर्शन ये कंप्लीट हो जाए लेकिन परजीवी रोगों को ये रिविजन करने से पहले हम एक काम करेंगे जितने भी संक्रामक रोग हैं उनका हम रिविजन कर लें कि उन संक्रामक रोगों का इकट्ठा मैटर क्या है उसको हम समझ लें जो भी संक्रामक रोग होते हैं सारे के सारे उनके कॉमन चीज़ें कौन सी हैं कॉमन उपाय अधिकांश संक्रामक रोगों से बचने के लिए मेजर टू अवॉइड इन्फेक्शन डिजीज जैसे सबसे पहली चीज तो यहां पर आती है जो मोदी जी कहते हैं कि निजी साफ सफाई ध्यान रखिएगा निजी साफ सफाई जैसे शारीरिक साफ सफाई साफ जल साफ भोजन साफ सब्जी व फलों का क्या करें सेवन करें तो साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण यहां पर रहेगी संकम्युनिकेबल डिसीजे से बचने के लिए पर्सनल हाइजीन सच एस फिजिकल हाइजीन क्लीन वाटर क्लीन फूड क्लीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है ना तो ये पहला प्राथमिकता रहनी चाहिए संक्रामक रोगों से बचाव के लिए क्यों रोग हो जाए उसके बाद उसका इलाज अपन करेंगे वो तो ठीक है एक तरफ बात है लेकिन इससे अच्छा यही है कि रोग से सावधानी से पूर्वक रोग से बचा जाए कि रोग हो ही ना पाए तो हमें इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो पहली चीज़ तो यह कि सबसे महत्वपूर्ण है साफ सफाई दूसरी निजी साफ सफाई के बाद दूसरी आती है सार्वजनिक साफ सफाई सार्वजनिक साफ सफाई जैसे अपशिष्ट तथा उत्सर्जित पदार्थों का उचित अपघटन तथा जल स्रोतों की साफ सफाई जैसे पूल टैंक इत्यादि ये होने चाहिए तो पब्लिक सेनिटाइजेशन सच एज प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटेड मटेरियल सच एज क्लीनलेस ऑफ वाटर सोर्सेज सच एज पूल टैंक्स एट्सेट्रा तो महत्वपूर्ण चीज़ एक तो निजी साफ सफाई मतलब अपने खुद के घर के आसपास साफ सफाई रखें और दूसरी चीज़ सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई कि जैसे कि मान लीजिए कि अपशिष्ट कचरा का जो हम फैलाने का निपटान का, का काम करते हैं तो आजकल सरकार की तरफ से वो कचरा गाड़ी का प्रावधान आ गया है कि वो घर घर जा कर के कचरा गाड़ी आती है और कचरा लेकर के जाती है लेकिन उसमें भी कई समस्याएं देखिए अब मेन स्तर पर हम कैसे जाते हैं उसमें भी कई समस्याएं देखी जाती हैं कि कई मोहल्लों में या कई जगह पर जो सफाई कर्मचारी होते हैं है ना उनके साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार कर किया जाना या वो जो कचरा गाड़ी होती है उसके प्रवेश पे वर्जित करना या उसका जो संचालक होता है उससे ही वाद विवाद हो जाना कई बार इन मामलों के कारण भी ये साफ सफाई सार्वजनिक साफ सफाई का मैटर क्या हो जाता है रुक जाता है ये काम किसके होते हैं नगर पालिका के तो ठीक है यदि आपके मोहल्लों में या आपके शहर में कचरा गाड़ी का प्रावधान नहीं है तो आप जाएं अपनी नगर पालिका में लोगों को जन जागरूकता के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से इस संबंध में इन्फॉर्मेशन दें कि यार अन्य शहरों में साफ़ सफाई के माध्यम से स्वच्छता अभियान जो चालू किया गया है उसमें जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो हमारे शहर में नहीं है कौन कौन सी उसमें सुविधाएं आपको मिल रही है उसका आपको मालूम होना चाहिए उसका जागरूकता आपको फैलानी चाहिए लोगों तक ताकि ये संक्रामक रोगों से बचने में साफ सफाई हो तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही रखना है कि जागरूकता इस संबंध में फैलाई जाए कि अधिकांश संक्रामक रोगों से सबसे पहले बचा जा सकता है साफ सफ़ाई के माध्यम से निजी साफ़ सफ़ाई सार्वजनिक साफ़ सफाई निजी साफ़ सफ़ाई का मतलब हम अपने घर को साफ़ रखें अपनी चीज़ों को साफ रखें अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखें दूसरी चीज़ सार्वजनिक कि पब्लिक जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं चाहे हम पब्लिक टॉयलेट की बात करें चाहे बस स्टैंड की बात करें और चाहे हम रेलवे स्टेशन की बात करें कहीं भी बाजार में हम कहीं भी खड़े हो तो खाबी के सड़क पर अगर फेंकते हैं तो वो चीज़ एक समय के बाद एक, एक एक दिन दो दिन के बाद वही चीज़ या वही आधा खाया हुआ खाना वो सड़ जाता है और संक्रामक रोगों का कारण बनता है ध्यान रखिएगा तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना है कि जो वेस्ट मटेरियल से अपशिष्ट उत्सर्जित पदार्थ हैं उनका उचित अवघटन कराया जाए शहर से दूर जाकर उनकी चीज़ें उनको अपगठित कराया जाए और इस तरीके के उपाय भी किया जाए कि यार देखिए सरकार भी कहती है कि एक हर जो दुकान वाला व्यक्ति है या आप अपने घर में दो प्रकार की चीजें रखें एक में सूखा कचरा डालें जिसमें पॉलीथीन वगैरह या अन्य चीजें हो एक दूसरे में गीला कपड़ा गीला कचरा या वो कचरा जो खाद्य है जैसे मान लीजिए आपने कुछ खाया और आधा खाया आधा फेंक दिया तो वो कचरा उसमें डालें क्योंकि वो कचरा बाद में जाकर के आ, उसका आप जैविक खाद्य भी बना सकते हैं अगर आपको बनाना आता है वो कैसे बनाया जाता है वो पर्यावरण में आपको पढ़ाया जाएगा वो अलग चीज है उसकी जैविक खाद बनाई जा सकती है <coughs> बाकी जो दूसरा कचड़ा है उस कचड़े के का उपयोग करके कई सारे देश जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उससे पावर जनरेट कर रहे हैं बिजली बना रहे हैं तो देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप मेंस को सीमित कर देंगे सीमित करने का मतलब केवल साइंस तक ही सीमित रखेंगे और आंसर लिख देंगे तो उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे जितने ज़्यादा आप इसके डायमेंशनस खींचेंगे उतने ज़्यादा आप, आपको नंबर मिलेंगे ये चर्चा जो मैंने आपसे की है ये पाँच नंबर के क्वेश्चन के लिए नहीं है ये तीन नंबर के क्वेश्चन के लिए नहीं है ये चर्चा निबंधात्मक प्रश्न जो आते हैं दो शब्दों में लिखने के लिए उनके लिए थी तो जब दो शब्दों का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो करंट अफेयर्स के आयाम और कुछ अपने विचार भी आपको उसमें रखने होते हैं जितना नॉलेज आपके पास है ठीक है ना तो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कई देश ऐसे हैं जो कचड़ा खरीदते हैं और उस कचड़े के बलबूते उस कचड़े को अपघटित करके उस कचड़े का यूज करके बिजली बनाते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते भारत सरकार इस संबंध में प्रयास करे मध्य प्रदेश सरकार इस संबंध में प्रयास करे है ना और आप अपना उचित सलाह दे सकते हैं उस संबंध में तो ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है ना उस कचड़े को जलाना नहीं है क्योंकि आप पॉलीथिन वगैरह को जलाए जलाएंगे तो फिर क्या होगा आजकल यही हो रहा है गवर्नमेंट क्या करती है या जो भी नगर पालिका जो कार्य करती है शहर के बाहर उस कचड़े को लेकर जा करके जिसमें कागज होता है पोलीथिन वगैरह होती है इन सब का उपयोग क्या होता है इनको जला दिया जाता है अब देखिए ना उसको जब हम जलाएंगे भी तो जलाने से भी तो सीधा नुकसान है जलाने से क्या नुकसान है भाई आपका जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा धुआं फैल रहा है तो वो नहीं करना है है ना कि एक तरफ तो हम प्रयास कर रहे हैं लोगों को गैसें प्रोवाइड करने की ताकि धुआं से मुक्ति मिले दूसरी तरफ हम खुद उस कचड़े को जलाएंगे तो वो ठीक बात नहीं है ठीक है ना तो उचित प्रबंधन और उचित प्रबंधन के उपाय आपको बताना चाहिए ठीक है ना अगर मैं आपको पर्यावरण पढ़ा रहा होता तो ये पूरा डिटेल मैं आपको यहाँ पर देता तो कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में हो तो बताना मेरे ख्याल से मैंने ये क्वेश्चन बता दिया कि संक्रामक रोगों से बचने के उपाय अगर बीस शब्दों में बीस शब्दों का बोला कि दो शब्दों में लिखने को आए तो आपको किस तरीके से लिखना है करंट अफेयर लिंक करना टेक्नोलॉजी लिंक करना अपने उपाय बताना है और जो सामान्य चीजें जो पढ़ते ही हैं वो तो बता रही हैं इस तरीके से 20 बाईस लाइने आप लिखेंगे आराम से 200 हंड्रेड वर्ड्स हो जाएंगे और उसमें आपको नंबर मिलेंगे 11 नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन आना है ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए ठीक है इसके बाद ये देखिए जैसे अब जैसे कोई रोग होता है मलेरिया वगैरह तो मच्छरदानी लगा के सोए या मच्छरों को भगाने की जो उपाय है उनको अपनाया जाए कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये मच्छरों को मारने की दवाइयाँ लेकिन वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए पर्यावरण से कनेक्ट होनी चाहिए ठीक है पेड़ पौधे घर में लगाए जाएँ ठीक है ना फालतू पानी ना वो किया जाए कपड़ों को व्यवस्थित सैनिटाइज किया जाए ये वाले ये टायर जो होते हैं ये टायर जो ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर जीप्स के टायर ये नहीं रखना चाहिए क्योंकि एक समय बाद अगर बरसात का पानी भर जाता है तो इसमें डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया वाले मच्छर इनमें पनपते हैं ठीक है ना तो स्प्रे का प्रयोग किया जाए आ, लोगों से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उससे पर्याप्त दूरी बना के रखी जाए और व्यवस्थित शौचालयों की व्यवस्था करी जाए और समय समय पर उन शौचालयों की साफ सफाई करी जाए है ना जो घास यदि आपके पास गार्डन है घास बड़ी हो गई तो उस घास को छीला जाए है ना उस घास को मेंटेन किया जाए और वही घास का उपयोग आप अपने जीव जंतुओं को खाने में दे सकते हैं पानी ना जमा हो पाए किसी भी माध्यम से है ना तो ये ध्यान रखिएगा कूलर का पानी या अन्य चीजों इनका जमाव ना होना पाए तो ये भी उपाय इसके संबंध में आप किए जा सकते हैं तो, तो जो रोगों के बाहक होते हैं जैसे मच्छर वगैरह हो गए इनका समापन करना है ना यह होना चाहिए मच्छरों से सुरक्षा तथा मच्छर रोधी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉस्किटो एंड यूज ऑफ एंटी मॉस्किटो मेडिसिन ये महत्वपूर्ण चीज हो जाती है यहाँ पर टीकाकरण तथा प्रतिजैविकी कार्यक्रमों की उचित शक्ति से पालन करना चाहिए है ना तो प्रॉपर एंड स्ट्रिक्ट एधेनेशन टू वैक्सीनेशन एट एंटीबायोटिक प्रोग्राम्स ये भी होना चाहिए और प्रतिजैविकी एवं अन्य दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर मेडिसिन भी करना चाहिए तो यहाँ पर संक्रामक रोगों से बचने के उपाय जो मैंने आपको बताया जो इसके वाहक होते हैं पहला चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे वाहकों का समापन दूसरी चीज़ मच्छरों से क्या होना चाहिए सुरक्षा तथा मच्छर रोधी उपाय करना चाहिए टीकाकरण इसका उपाय है प्रतिजैविकी कार्यक्रमों का उचित व शक्ति मतलब जो वैक्सीनेशन एंड एंटीबायोटिक प्रोग्राम्स होते हैं सरकार जो सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम और प्रतिजैविकी कार्यक्रम यानी कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स एंड एंटीबायोटिक्स प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा कराए जा रहे हैं उनका व्यवस्थित उचित तौर पर शक्ति से पालन किया जाना चाहिए और इन कार्यक्रमों के विषय में इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में जन जागरूकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज रोगों के होने का यह है कि जागरूकता का कम होना अगर कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस रोग के प्रति उस व्यक्ति को जागरूकता नहीं थी अगर वो व्यक्ति उस रोग के प्रति जागरूक देखिए जैसे ना कोरोना में किया गया तो कोरोना को से आप ये सीखिए कि कोरोना में आपने क्या समझा कि कोरोना की इतनी जबरदस्त जागरूकता फैलाई गई इतना जबरदस्त उसका प्रचार किया गया कि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हर चीजों के माध्यम से लोगों के माध्यम से तो वो डर और वो जागरूकता जो सरकार ने फैलाई उस सरकार के साथ साथ जनता ने भी बखूबी उसको निभाया इससे फायदा ये हुआ कि लोगों को मास्क लगाना आ गया सैनिटाइजेशन जाने लगे तो फलस्वरूप मेरे हिसाब से तो कोरोना में जो मृत्यु दर है आप उसका आंकड़ा बैठ के निकालिएगा मृत्यु दर घटी है कि जो लोगों ने कोरोना से बचने का प्रयास किया है वो लोग कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी बच पाए क्योंकि आप कोरोना के उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उनका पालन किया है है ना तो पर्याप्त मात्रा में उनने सावधानी बरती है तो कोरोना के साथ साथ अन्य सारी बीमारियों से भी वो बचे कोविड नाइनटीन के साथ साथ तो जो प्रतिजैविकी की, की और अन्य दवाइयों का प्रयोग किया जाना है उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन क्षेत्रों तक जन जागरूकता इन संक्रामक रोगों के विषय में फैलानी चाहिए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं पढ़े लिखे लोगों को थोड़ी बहुत भी अगर अपन बता दें तो वो लोग समझ जाते हैं तो इस तरीके से संक्रामक रोगों का बचाव किया जा सकता है साथ ही साथ व्यक्ति स्वयं भी अगर जागरूकता इसका उपाय कर सकते हैं तो ये बात रही संक्रामक रोगों के विषय में अब इसका हम जल्दी से समरी कर लें रिविजन कर लें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं कोई प्रश्न किसी का जल्दी से करिए कोई क्वेश्चन यहां पर प्रिलिम्स एंड मेन देखिए अगर आप लोग एस SI आई या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एमपी 360 थ्री सिक्सटी चैनल वहां पर आप ज्वाइन करिए वहाँ पर आपको चीजें मिलेंगी उससे संबंध में ये एम का बैच है ध्यान रखिएगा थिंक there इज नो क्वेश्चन तो देखो हाँ ठीक है कोई क्वेश्चन नहीं ठीक है तो देखिए अभी तक हमने संक्रामक रोगों में आपको ध्यान होगा आपने विषाणु जनित रोग पड़े आपने जीवाणु जनित रोग पड़े और आपने कवक जनित रोग पड़े कवक के अलावा मुख्यतः अभी आपने जो पढ़ा रिसेंटली आज वो पढ़ा प्रोटोजोआ और प्लेटी प्लेटीहेलमस और निमेटोडा समूह के परजीवी जीव जो है विभिन्न प्रकार के रोगों के बहाक होते हैं तो पहली चीज रोग जो संक्रामक रोग जो हो सकते हैं किन के कारण हो सकते विषाणु के कारण हो सकते हैं यानी कि वायरस के कारण हो सकते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण फंगल या फफूंद या कवक जिसको कहा जाता है उसके कारण भी रोग हो सकते हैं फिर आते हैं परजीवी रोग यानी कि पैरासाइटिक डिसीजे जिनमें प्रोटोजोआ, प्लेटी हेलमिंथीज और निमेटोडा समूह के परजीवी भी विभिन्न प्रकार के रोगों के कारक हैं तो ध्यान रखना अपार्ट फ्रॉम वायरसेस बैक्टीरिया एंड फंगी मेनली प्रोटोजोआ जम्स ऑफ वेरियस डिसीजेस है ना ये आप ध्यान रखिएगा तो हम यहां पर चित्र में आप ध्यान से देखिएगा निमोटोडा सबसे राइट साइड में आपको इस दिख रहा होगा साइड दिख रहा होगा निमेटोड दिख रहे होंगे बिल्कुल पतली पतली संरचना और उसके जस्ट बगल में ये आपको लग रहा होगा कि ये सर पहले है लेकिन वो सर्प नहीं है वो प्लेटी हेलमिन है और सबसे लास्ट में यानी कि सबसे पहले आपको दिख रहा है प्रोटोजुआ तो इनके कारण भी कई परजीवी रोग होते हैं जो पीछे हमने पढ़े हैं तो क्वेश्चन आपसे इन, इन इस प्रकार से बन सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सी वायरल है पहले क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन इस तरीके के देख चुके हैं कौन सी जीवाणु जनित बीमारी है कौन सी कवक जनित बीमारी है कौन सी प्रोटोजुवन बीमारी कौन सी हेलमिंथीस के कारण होने वाली है कौन सी निमेटोडा के द्वारा होने वाली है कौन सा संक्रामक है कौन सा संक्रामक रोग नहीं है ठीक है ना ये भी हमें ध्यान रखना है फिर उसमें से सबसे पहले हमने जो जानकारी ली किसके विषय में लिया आपने मलेरिया के विषय में ठीक है ना आपके किसके विषय में जानकारी मलेरिया और मलेरिया के विषय में आपने अभी जाना कि सबसे घातक परजीवी रोगों में से एक कौन है मलेरिया है जो कि प्लाज्मोडियम नामक एक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है किसके कारण होता है प्रोटोजोआ एक कोसी जो है प्लाज्मोडियम उसके कारण होता है तो मलेरिया इज वन ऑफ द डेडलियस्ट पैरासिटिक डिसीज इज कॉस्ड बाई दी यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआ एनिमल कार्ड प्लाज्मोडियम उसके कारण यह होता है ठीक ध्यान रखिएगा फिर हमने इसमें आपको बताया ये देखिए ये वो प्लाज्मोडियम आपको दिखाई दे रहा है इस रोग का जो वाहक होता है वो क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे इस रोग का जो वाहक होता है अभी मैंने आपको बताया मादा एनाफिलीज होती है फीमेल एनाफिलीज मच्छर जो होती है वो इसका वाहक होती है ना तो द कैरियर ऑफ दिस डिसीज इज द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो तो इसका कारक क्या है इसका वाहक क्या है वो है मादा एनाफिलीज मच्छर तो ये हम रिवीजन कर रहे हैं जो अभी हमने अभी पढ़ा है ठीक है ना ये और जो कि द्वितीयक पोषद है जो सेकेंडरी होस्ट है विच इज द सेकेंडरी होस्ट ध्यातव है कि प्लाज्मोडियम जो है एक प्राथमिक पोषद है मनुष्य प्राथमिक पोषद मनुष्य है ना दट इज इंपोर्टेंट टू नोट दैट द प्राइमरी होस्ट प्लाज्मोडियम इज द ह्यूम क्लियर है तो जो मादा एनाफिलीज़ है ये द्वितीय पोषद यानी कि सेकेंडरी होस्ट है और प्लाज्मोडियम का जो प्राथमिक पोषद है वो कौन है मनुष्य है ध्यान रखना वो कौन है मनुष्य है तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से प्रलेम्स के अकॉर्डिंग आपका बन सकता है ध्यान रखिएगा ये देखिए प्लाज्मोडियम इसका चित्र आप देख सकते हैं ये प्लाज्मोडियम का चित्र इसमें आपको अलग से पहली सेल्यूअर सिस्टम दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहे हैं माइक्रोजोटिक कोट दिख रहा है राइबोसोम्स इसके दिख रहे हैं डेनिस ग्रेन्यूल्स दिख रही हैं रोप पैट्री दिख रही है एपिकल एंड दिख, दिख, दिख रहा है इसका पोलर रिंग्स दिख रहे हैं माइक्रो नेम्स दिख रहा है माइक्रो ट्यूब्यूल्स इसमें आपको दिख रही है एपिकोप्लास्ट प्लास्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है माइक्रोकॉन्ड्रिया भी आपको यहाँ पर दिख रहा है तो मलेरिया तो प्राय है ध्यान रखिएगा प्लाज्मोडियम के विषय में भी हम चर्चा करें पीछे भी हम आपको बता चुके हैं कि प्राय है प्लाज्मोडियम की चार प्रजातियां कौन कौन सी वाइवेक्स नंबर एक प्लाज्मोडियम ओवेल नंबर दो प्लाज्मोडियम मलेरी नंबर तीन और प्लाज्मोडियम ये नंबर चार ध्यान रखिएगा मनुष्य को संक्रमित करते हैं फोर स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम सच एस प्लाज्मोडियम वाइबेक्स प्लाज्मोडियम ओवेल प्लाज्मोडियम मलेरी प्लाज्मोडियम मलेरियमोडियम इन्फेक्ट्स इनफेक्ट ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोडियम एक तो प्रोटोजोआ है जिसके कारण मलेरिया होता है और प्लाज्मोडियम की होती है चार प्रजातियां जो मनुष्य को प्रभावित कर सकती है वाइवेक्स ओवेल मलेरिया और फेल्सिपेरम ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ध्यान रखिएगा ये देखिए ये चार है कौन कौन सी प्लाज्मोडियम ओवाले प्लाज्मोडियम मलेरी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइबेक्स कोई क्वेश्चन वाह आप ध्यान से सुनिएगा कुछ करंट अफेयर्स की चीज है इतनी सब चीजों के बारे में अगर हम बात करें फिर भी भारत में इन चार जो प्रजातियां हमने प्लाज्मोडियम की आपसे बताई हैं वाइवैक्स हो गया ओवेली हो गया मलेरिया हो गया फिर भी हालांकि भारत में मलेरिया के 60 से पैंसठ प्रतिशत मामलों के लिए पी प्लाज्मोडियम क्स जबकि 30 से 35 प्रतिशत मामलों के फेल्सिपेरम परजीवी उत्तरदायी है मतलब अधिकांश यानी कि 90 से निन्यानवे जो मलेरिया भारत में होता है वो दो सिर्फ परजीवियों के कारण हो जाता है वो कौन कौन से ये लगभग 60 से पैंसठ प्रतिशत जो मामले होते हैं उनके लिए वाइवैक्स जिम्मेदार है और बाकी तीस से पैंतीस जो बचता है उन मामलों के लिए फेल्सिपेरम यानी कि प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम ये क्या होता है उत्तरदायी होता है क्लियर है तो ओल पी स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ मलेरिया केसेज इन इंडिया वाइलेस पी फेलिपेरम यानी कि पैरासोडियम फेल्सिपेरम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट ऑफ केसेज in इन इंडिया तो भारत में अधिकांश केस जो आपको मिलते हैं मलेरिया के वो किस प्रकार के प्लाज्मोडियम के द्वारा मिलते हैं वाईवैक्स के द्वारा साठ से पैंसठ प्रतिशत और तीस से पैंतीस प्रतिशत मामले फेलसीपेरम के भारत में यहां पर पाए जाते हैं ध्यान रखना ये ध्यान रखिए 60 टू 65 परसेंट ऑफ केसेस आर फ्रॉम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड द रेस्ट ऑफ द 30 टू 35 परसेंट प्लाज्मोडियम फेल्सी पैरम ये आप ध्यान रखिएगा कोई प्रश्न यहां पर सर रोनाल्ड रोज एक व्यक्ति थे सर रोनाल्ड रोज उन्होंने ये पता लगाया था कि मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक एक कोसी प्रोटोजुआ परजीबी द्वारा होता है सर रोनाल्ड रोज जो है कौन से सर रोनाल्ड रोज इनका नाम मलेरिया के संबंध में आता है और इन्होंने पता लगाया इन्होंने पता लगाया कि मलेरिया रोग जो है यह प्लाज्मोडियम नामक एक कोश की प्रोटोजुआ के द्वारा होता है परजीवी के द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनाफिलीज मच्छर करती है तो ये बात किसने हमें बताई है हम कैसे ये बात पढ़ पा रहे हैं हेलो भैया कौन है संदीप वर्मा जी निखिल uh, रेटरे जी आपको सभी को नमस्कार तो सर रोनाल्ड रोस डिस्कवर्ड दैट मलेरिया डिसीज इज कॉज बाई यूनीसेलर प्रोटोजोन पैरासाइट कार्ड प्लाज्मोडियम एंड दैट द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो फंक्शंस एज कैरियर ऑफ अ प्लाज्मोडियम ध्यान रखना उसके बारे में ये चीजें ध्यान रखना दिस इज सर रोनाल्ड रॉस उन्नीस इन्होंने बात करी इसके विषय में और ये क्या है मादा एना क्या है करियर है तो आप सुनिए ध्यान से अबाउट सर रोनाल्ड रोज इन अगस्त ट्वेंटी सेवन ए ब्रिटिश ऑफिसर इन द इंडियन मेडिकल सर्विसेज दैट फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेट दैट सॉरी uh, यार इस पे किसी का बस नहीं चल सकता सर्दी पे जो हो चुकी है इन अगस्त ट्वेंटी नाइनटी सेवन रोनाल्ड रोज ए ब्रिटिश ऑफिसर इन द इंडियन मेडिकल सर्विस वॉज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट मलेरिया पैरासाइट कुड बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पेशेंट टू मॉस्किटोस फॉर हिज डिस्कवरी रोज वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन नाइनटीन जीरो टू तो रोनल्ड रोज़ को मलेरिया से के संबंध में यह आपको दिखाई दे रहा है 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है तो मलेरिया के संबंध में नोबेल पुरस्कार उसको मिला है सर रोनाल्ड रोज़ को क्लियर है इनको क्या मिला है नोबेल पुरस्कार जो यहां पर मैंने आपको बता दिया कोई परेशानी यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो जानकारी में आपको कमी आपको लग रही होगी यहां पर आप दिख रहे हैं नोबेल प्राइज इन 1962 तो इनको रोनाल्ड रोड को 1902 में क्या मिला है नोबल प्राइज मिला है ठीक ठीक है ध्यान रखिएगा ठीक है ना तो मैंने आपको बता दिया और इस महत्वपूर्ण खोज के लिए किस खोज के लिए यही जो मैंने आपको बताया इस महत्वपूर्ण खोज के लिए वर्ष उन्नीस सौ दो में उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया ही वाज अबाउटेड द नोबल प्राइज इन द नाइनटीन जीरो टू फॉर दिस इंपोर्टेंट डिस्कवरी ठीक है ना सर इंग्लिश हेरिटेज सर रोनाल्ड रोज अठारह सो संतावन सो उन्नीस सौ बत्तीस डिस्कवर ऑफ द मॉस्किटो ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया वर्कड हियर अब ध्यान दिए आपको मालूम होगा कि जो प्लाज्मोडियम है अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मोडियम है ये आरबीसी और लीवर आरबीसी और लीवर यानी कि यकृत कोशिकाओं का अंत परजीवी जंतु होता है कोशिकाओं का अंत परजीवी जंतु होता है इट इज इंपोर्टेंट टू नोट प्लाज्मोडियम इज द रेड ब्लड सेल्स एंड पैरासाइट एनिमल ऑफ लीवर सेल्स क्लियर है तो यह ध्यान रखना कि प्लाज्मोडियम जो है आरबीसी और यकृत कोशिकाओं का अंत परजीवी यानी कि उनके अंदर जीवित रहने वाला परजीवी है ध्यान रखिएगा और मलेरिया रोग का सर्वाधिक प्रभाव जो आपको मालूम है पहले भी मैंने बताया सर्वाधिक प्रभाव मलेरिया का जो पड़ता है काई RBC पर पर आरबीसी और यानी कि रेड ब्लड सेल्स एंड स्प्लीन मोस्टली ये क्या करता है इफेक्ट करता है और मलेरिया रोग जो है मादा एनाफिलीस के जो मच्छर होता है उसके काटने से ये फैलता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि मलेरिया डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाई द बाइट ऑफ द फीमेल एनाफिलीस मॉस्किटो क्लियर और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये दलदली क्षेत्रों का वातावरण कौन से क्षेत्र दलदली क्षेत्रों का वातावरण मच्छरों के जनन व वंश वृद्धि में सहायक होता है जहाँ पर आधा पानी आधा कीचड़ होता है ध्यान रखिएगा ना द इन्वायरमेंट ऑफ मार्शी एरियाज हेल्प्स इन द ब्रीडिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज अतः ऐसे स्थानों पर यह रोग अधिकतर फैलता है जहाँ पर दलदली क्षेत्र हैं है ना मिट्टी और पानी का मिक्सचर या नाला नाली जो होते हैं वो वहाँ पर मच्छरों की वंश वृद्धि ज़्यादा होती है वहीं पर ये ज़्यादा फैलता है अब बात आती है कि मच्छरों के संघार व उनसे बचाव हेतु घरों में किस चीज का उपयोग करना चाहिए तो ध्यान रखना घरों में डी अथवा पैरिथ्रम या नेफ्ता नेफ्ता या कपूर आदि का प्रयोग करना चाहिए डी इन द हाउस टू किल टू किल एंड प्रोटेक्ट मॉस्किटोज और पैरिथ्रम नेफ्ता है ना कपूर इन सभी का भी यूज किया जा सकता है तो डी डी टी पायरिथरम नेफ्टा आदि इन सब का उपयोग मच्छरों को मारने के लिए किया जा सकता है ये देखिए इस तरीके से आपने आजकल देखा होगा कि डी डी टी का छिड़काव आपके मोहल्लों में किया जाता है जब ये छिड़काव होता है तो आपको लगता है ऐसा तो नहीं हेलीकॉप्टर आ गया होगा लेकिन नहीं डी डी का छिड़काव हो रहा होता है है ना कपूर कपूर से भी ये भाग जाते हैं कपूर को इस तरीके से गर्म कर दिया जाता है तो मच्छर भाग जाते हैं और पायरिथ्रीन इस तरीके से भी चीज़ें मच्छरों को भगाया जा सकता है और जलाशयों में तो देखो मैंने आपको बताया कि जो जलाशय होते हैं आपके घर में के आसपास उनको आप भगा तो सकते नहीं यहाँ जलाशय तो बहुत काम की चीज है लेकिन अगर जलाशयों में लोग बोलते हैं कि जलाशयों में मच्छरों की लार्वा को खाने वाली कुछ मछलियां होती हैं जैसे गेम्बूसिया तथा बतख इनको छोड़ देना चाहिए तो बतख और गेम्बूसिया को जलाशयों में इसीलिए छोड़ना चाहिए कि वो उनका भोजन हो जाएगा और वो आपके लिए फायदेमंद होगा तो जलाशय मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछलियों को भी छोड़ा जा सकता है जैसे कि गेम्बूसिया बतक आदि छोड़ दीजिए ताकि उससे आपको फायदा मिले ये ये गेम्बूसिया आपको यहां पर दिख रहे हैं ये बतख आपको यहां पर दिख रहे हैं तो लार्वेकल इज सच एस गेम्बूसिया इन द रिजर्व ठीक है ना डल मॉस्किटोश कैन कंज्यूम हंड्रेड मॉस्किटो लार्वा इन अ डे मतलब एक दिन में सौ मॉस्किटो का लार्वा एक दिन में वो ग्रहण कर सकती है ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर इस चीज का आप ध्यान रखें आपसे पूछा जाए कि प्राचीन काल में मलेरिया के उपचार के लिए क्या किया जाता था तो ध्यान से सुनना पुराने समय में प्राचीन काल में मैंने आपको क्या बताया प्राचीन काल में मलेरिया के उपचार के लिए सिन सिनकोना नामक एक वृक्ष होता था उसकी छाल से प्राप्त तो कुनेन है ना कुनेन नामक औषधि का प्रयोग होता रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया टाइम्स ए ड्रग कॉल्ड कुनेन ओबेन फ्रॉम द ट्री कॉल्ड सिनकोना हैज बीन यूज उसका यूज किया जाता था ये ठीक है ना इसका यूज किया जाता प्राचीन समय में ध्यान रखिएगा हालांकि इससे मिलती जुलती कुछ कृत्रिम औषधियां यथा था जैसे एंटीब्रीन मेलुब्रिन रेसोचिन कामाक्विन एंड क्लोरोक्विन ये क्लोरोक्विन जो अभी हमने अमेरिका को दी थी क्लोरोक्विन क्लियर है आदि औषधियां आजकल प्रचलित है हाउ आर सिमिलर सिंथेटाइज सिंथेटिक ड्रग्स लाइक एटाब्रिन मेल्यूब्रिन रिसोचिन एंड कामाक्विन क्लोरोक्विन एटसेट्रा आर द प्रीवेलेंट टुडे इनका यूज आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है ये देखिए ठीक है ना तो ये देखो एक ये है क्लोरोक्विन फॉस्फेट टेबलेट आई ट्वेंटी ये हमने अमेरिका को भेजी है है ना रेसोचिन ये आपको दिख रही है मेलब्रूनिन ये आपको दिख रही है और एटाब्रिन भी आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है इन औषधियों का प्रयोग इस संबंध में किया जा सकता है मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों की अगर हम चर्चा करें मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में ध्यान रखना मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में इस रोग से यानी कि मलेरिया से बचाव के लिए कुनेन डेराप्रेम आदि रोग निरोधी औषधियों का नियमित उपयोग करते रहना चाहिए टू प्रिवेंट दिस डिसीज इन द मलेरिया इफेक्टेड एरियाज क्वेन एन डेराफ्रेम शुड बी यूज रेगुलरली अगेंस्ट द यूज ऑफ प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स क्लियर है ध्यान रखिएगा तो ये दिख रही है डेरोप्रेंट ट्वेंटी एमजी आपको यहां पर दिख रही है क्विनेन सल्फेट टैबलेट्स ये भी आपको दिख रही है इनका लगातार उपयोग से मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में मलेरिया का प्रभाव कम हो जाएगा मलेरिया के बारे में थोड़ी सी और जानकारी है वो जरूर आप देख लें ठीक है ना देखिए यहां पर दो तीन दवाओं की हमने यहां पर आपसे चर्चा करी है जैसे डेराप्लेन एन औषधि कई औषधियों का चर्चा किया यहां पर आपसे पीछे इसका कामाक्विन एंटीव्र क्लोरोक्विन रेसोचिन एंटीव्रिन आदि इनकी भी चर्चा हमने आपसे की एक आप ध्यान रखेंगे पेलाथ्रेन एक प्रकार का पेराथ्रॉइड कीटनाशक है ये आपको दिख रहा होगा प्रालाथ्रेन ये एक प्रकार का क्या है पायरेथ्राइड कीटनाशक है प्रॉलेथिन इज अ टाइप ऑफ पायरेथ्राइड इंसेक्टिसाइड जो सामान्यतः मच्छर विकर्षक है यानी कि ये मच्छर विकर्षक का मतलब क्या हो गया मॉस्कीटो रेपेलेंट के रूप में प्रयुक्त तो होता है विच इज कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज एज अ मॉस्किटो रेपेलेंट और पेरा पायरेथ्रॉइड स्तनधारियों की तुलना में कीटों के लिए बाईस गुना अधिक विषाक्त तो टॉक्सिक होता है मतलब मानव की अपेक्षा ये कीटों में साढ़े बाईस से ज्यादा गुना विषाक्त होता है है ना ये आपको दवाई यहाँ पर दिख रही है तो यह ध्यान रखिएगा जो पायरेथ्राइड जो होता है कीटनाशक जो है स्तनदारियों की तुलना में कीटों के लिए 2250 गुना अधिक विषाक्त है और जब ये कीटनाशकों पर पड़ता है कीटों पर पड़ता है तो कीट कॉमन सेंसे के मर जाते हैं पायरो पायरेथराइड इज अ ट्वेंटी टू फिफ्टी टाइम्स मोर टॉक्सिक टू इंसेक्ट देन मेमल्स ये दवा इतनी प्रभावी है है कि प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है ध्यान रखना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है यह क्वेश्चन गारंटीड परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं ध्यान रखिएगा जल्दी से किसी को अगर याद है तो वो बताएगा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना पच्चीस अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस है ना इट इज नोट वर्दी दैट वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे अप्रैल पच्चीस दो हजार बीस थीम क्या होती है दो हजार की इसमें थीम जो है वो ध्यान रखना जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी ये इस बार की जो थीम थी थीम भी होती है ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इस बार के मलेरिया दिवस की जो थीम है वो क्या है तो आप ध्यान रखेंगे इस बार के मलेरिया दिवस की जो 2020 की जो थीम थी पच्चीस को वो थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी ठीक है ना वो तो मालूम है एक दिसंबर एड्स डे हेपेटाइटिस डे बताइए जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी ये इसकी क्या थी थीम थी ठीक ना और 20 अगस्त 20 अगस्त को साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे 20 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी कि विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को ये आप सोच रहे होंगे कि ये वर्ल्ड एड्स डे वर्ल्ड मलेरिया डे वर्ल्ड मॉस्किटो डे है ना वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे विश्व हेपेटाइटिस दिवस राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये क्यों मनाए जाते हैं सीधा सीधा एक पॉइंट ध्यान रखना एन संबंधों में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस सरकार के द्वारा मनाए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन रोगों इनके उपचार के बारे में सावधानियों के विषय में जागरूक किया जा सके और यही आप विशेष तौर पर ध्यान रखना जागरूकता के लिए जन जागरूकता के लिए यह क्या किए जाते हैं मनाए जाते हैं उल्लेखनीय है, उल्लेखनी है यह भी ध्यान रखना विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन जब हम टीकाकरण की बात कर रहे हैं तो यहां पर मलेरिया वैक्सीन की भी हम चर्चा करेंगे विश्व का जो पहला मलेरिया वैक्सीन है वो कब आया था विश्व का जो पहला मलेरिया वैक्सीन है यह आप ध्यान रखना अप्रैल 2019 में अफ्रीकी देश मलावी में लॉन्च किया गया था है ना और अफ्रीकी देश मलावी में लॉन्च किया गया था ये आप ध्यान रखिएगा क्लियर है इट इज world's a द malaria मलेरिया वैक्सीन हैज बीन in इन African कंट्री ऑफ मलावी इन अप्रैल 2019 विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन टीका अप्रैल 2019 में अफ्रीकी देश मलावी में लॉन्च किया गया था यह ध्यान रखिएगा गुड इवनिंग शिवानी परमार जी नमस्कार ठीक है ना ये देखो छोटा सा काला काला सा बच्चा इसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है यहां पर टीका लगाया जा रहा है अब ये हंस रहा है रो रहा है मुझे नहीं मालूम ठीक है ना डब्ल्यू एच ओ के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिस वैक्सीन इज अ पार्ट ऑफ अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम मलेरिया विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यू के अनुसार यह वैक्सीन बच्चों को मलेरिया से बचाने के लिए शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है ध्यान रखिएगा इसके विषय ये वैक्सीन जो है बच्चों को मलेरिया से बचाने के लिए शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट का क्या है हिस्सा है यह आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे ध्यान रखिएगा तो देखिए आज की क्लास में है, हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको मालूम ही होंगी और जो लोग लेट आए उनसे अनुरोध है कि क्लास दो बजे होती है तो उनको ध्यान रखना देखिए दोस्तों ये क्लासेस जो अनकेडमी पर ली जाती हैं ये क्लासेस यूट्यूब पर जो आप देख रहे हैं ये फ्री क्लासेस हैं और फ्री क्लासेस में और प्लस क्लास में यानी कि सब्सक्रिप्शन वाले कोर्स में अंतर होता है फ्री क्लासेज़ में जहाँ चीज़ें लिमिटेड होती हैं लिमिटेड सिलेबस कवरेज होता है ओकेशनल प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं ओकेशनल पी डी एफ और लिमिटेड डाउट सॉल्यूशंस होते हैं वहीं आप प्लस क्लास की चर्चा करें तो यहाँ पर आपको कम्प्लीट सिलेबस की कवरेज मिलती है अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं अनलिमिटेड पी डी एफ नोट्स मिलते हैं सारे के सारे डाउट हमारे टॉप एजुकेटर के द्वारा सॉल्व कराए जाते हैं यहाँ पर आप Uh, अपने फेवरेट टीचर से लर्निंग uh, uh, कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है अलग एग्जाम का अलग बैच कोर्स होता है डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जहां पर आप अपने टीचर से पोल कमेंट और क्विज़ के माध्यम से एजुकेटर से इंटरैक्शन कर सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है उनकी आप वीडियोज़ कई सारे टीचर की वीडियोज ऑनलाइन ऑफलाइन आप देख पा सकते हैं है ना उनके नोट्स भी आप डाउनलोड कर पाएंगे तो इसके साथ साथ और भी सुविधाएं मिलेंगी कि हर महीने करंट अफेयर की मैगजीन आपको मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहा है सात हज़ार से ज़्यादा फुली प्रिपेयर नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले के बच्चों को सेपरेट मिलते हैं इंग्लिश मीडियम बैचेस फॉर एम बी बी प्री एंड हिंदी मीडियम के भी अलग से बैच आपको मिलेंगे ये हमारे टॉप एजुकेटर हैं जो आपको पढ़ाते हैं शुभम सर हैं फवन सर हैं अभिषेक सर हैं और कई सारे टीचर हैं जो लगातार यहाँ पर पढ़ाते हैं इनके साथ साथ मैं भी मेरा नाम स्वप्निल प्यासी है जैसा कि मैंने आपको बताया एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ छः साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है कई सारे एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं ये मेरा रेफरल कोड नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा जिसके थ्रू आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए ताकि आपको टेन परसेंट का क्या मिल जाए डिस्काउंट मिल जाए ठीक है और किस तरीके से सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपके पास अन एकेडमी लेने के अपना ही तो उसको होना चाहिए आपके पास रजिस्ट्रेशन कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शन खोलेंगे इन ऑप्शन में से आपको एम बी पी एसी व्यापम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है जैसे ही आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से आएगा आप जाइएगा गेट सब्सक्रिप्शन पर गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे यहां पर नीचे आपको ये रेफरल कोड लगाना है जो मैं दे रहा हूं यहाँ पर एस डब्ल्यू ए पी एन आई एल जैसे ही आप ये रेफरल कोड लगाएंगे स्वप्निल तो आपको मिलेगा फिर टेन परसेंट का डिस्काउंट ऐसे ही टेन परसेंट डिस्काउंट का मतलब साढ़े आठ हजार की जगह फीस लगेगी सात हजार नौ सौ बीस साढ़े बारह हजार की जगह फीस लगेगी ग्यारह हजार पांच सौ बीस रुपये तो यदि आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से डेली लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के माध्यम से स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ्स के माध्यम से लाइव मॉक टेस्ट एंड क्विजे के साथ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनएकेडमी ठीक है ना और आ, इसके अलावा न, मैं बता दूं जो आपको नहीं मालूम होगा कि देखिए जो करंट अफेयर की मैगजीन की मैंने आपको चर्चा करी है तो अनएकेडमी पर एम पी पी एसियन व्यापन की कैटेगरी प्रस्तुत करती है वर्चस्व मैगजीन ये अर्धमासिक समसामयिक पत्रिका जिसका अक्टूबर 2020 से भाग एक आ गया है लेकिन ये प्लस सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों के लिए ही है उन्हीं में उन्हीं को उपलब्ध हो पाएगी ध्यान रखिएगा यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको देखिए सब्सक्रिप्शन के कितने फायदे मिलते हैं यदि मान लीजिए आपने दो साल का ये बैच ले लिया जो कि सोलह अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और एक बैच दस महीने का है ये भी चौदह अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है तो इसमें सबसे पहली चीज तो है पच्चीस से ज्यादा क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा नंबर वन फायदा यह मिलेगा कि एक साल और दो साल का जो फाउंडेशन बैच होता है एम प्री मेंस और आंसर राइटिंग का वो मिलेगा आपको फिर चार महीने के बैच प्रीलिम्स एमपीएसआई लेबर इंस्पेक्टर एमपी पुलिस जेल प्रहरी आदि के लिए आपको मिलेंगे पचास टॉप एजुकेटर की टीम मिलेगी जिनका एक्सपीरियंस आठ साल से ज्यादा है पढ़ाने का वो मिलेंगे पच्चीस सौ से ज्यादा लाइव क्लासेस हर महीने लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ आपको टॉप एजुकेटर्स लेते हैं बाई मंथली करंट अफेयर मैगजीन जो कि वर्चस्व मैंने आपको बताया वो आपको मिलती है बीस हजार से ज्यादा इंस्पेक्टर पुलिस हर महीने इसके लिए मिलेगा डेली लाइव टी ट्वेंटी आपको मिलेंगे बीस क्वेश्चन बीस मिनट पेपर एनालिसिस आपको मिलेगा सो so, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें सब्सक्रिप्शन कोड क्या लगाए ताकि आपको क्या मिले भैया टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाए सो so, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारा जो ये चैनल है बहुत प्यारा सा लेट्स क्रैक एम पी एग्जाम जिस पर एक से एक टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं उसको जल्दी से आप सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें अगर नहीं किया है तो करें जिन्होंने कर लिया है तो वो दोबारा कर लें ठीक है वो अपने दोस्तों को शेयर करें कोई बात यहाँ पर कोई परेशानी आई होप कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो और अगर कोई परेशानी आई हो चीज़ों में दिक्कत हुई हो तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कल फिर मिलते हैं इसी टाइम दोपहर में दो बजे एम के लिए और वनडे एग्जाम्स जैसे कि एम और पुलिस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लास आप सुबह एम 360 पर देखिएगा ठीक है ना जय हिंद जय श्री राधे कल फिर मिलते हैं